ये तीनों ने जाकर के विश्व ब्रह्मांड सर्वत्र जाकर के महाप्रभु का वाणियों को इन पर प्रचार किए हैं और बहुत सारे लोग जो गृहस्थ पर प्यारे शिष्य सब इनको पास में भक्ति के बना जब जनार्दन गोस्वामी महाराज के शिष्य और श्रील गौर गोविंद महाराज के शिष्य और मेरे को देखो मैं भक्ति श्रील से कुछ सिद्धार्थ के गोस्वामी महाराज शिष्य है हमारे जो सिद्धार्थ जी महाराज के शिष्य करते थे मैं तो सुन सुन करके मैं तो बोलता हूँ गुरुदेव नहीं ये
पारस मणि है, इस पारस मणि को लोहे स्पर्श कराने पर जैसे वो सुना सुन लेगा रोहित तो क्या है इधर वाला बोलते और हमारा सी है मधु दीदी और कुमार संपूर्ण विश्व में 34 बार
संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी के लोग हरे कृष्णा उनकी मिट्टी को बड़े बड़े विद्वान वहां पर एक था
गुरु जी के साथ में मित्रता थी और अलग अलग जगह से भी भक्त लोग आए हुए थे उनको स्वागत करने के लिए। Hey, Jayanti Jamala, hey.
का जो दिया गया शब्द है जिनसे प्राकृत आकार निर्गत जिनसे प्राकृत आकार संपूर्ण निकल गया वो जो गुण संपन्न है वो निराकार है। निराकार मतलब क्या रूप भी है नहीं इसलिए बोले अर्थ को कहते ही तत् प्राधान्य का बोले प्राधान्य किसी को रूप की प्राधान्य पता नहीं गुरुदेव कह रहे हैं याद नहीं आ रहा है गुरुदेव वहां वेद से वहां से उपनिषद से उसको सामने उनके आश्रम था उनके सामने बैठ गए गुरुदेव हैं उन्होंने वेद से आकार की स्थापना कर रहे थे वो तो बैठे बैठे आप हर हर देख रहे थे। मैंने देखा गुरु जी के अंदर ना कोई चीज समझौता नहीं मतलब कोई कुछ बोल देगा हम सुन कर जा जाएंगे हमने कभी ये चीज को नहीं देखा गुरु जी के अंदर समझौता नाम का कोई चीज नहीं था जो है नहीं वो नहीं है। इसलिए गुरुपाद तत्व की जो वैशिष्टता है विविध हर दृष्टिकोण से गुरुदेव का वैशिष्टता आप लोग दर्शन करोगे जैसे श्री गुरुदेव जी आपका गुरुदेव जो घर बार छोड़ने का आए कितने उम्र का आए 24 साल के थे गुरुदेव आए महाप्रभु किया गुरुदेव भी उसी तरह उन्होंने उसी उम्र में और गुरुदेव ने कौन सा कर रेतमान मधुमान कुंती कहती है जिसका अगर एक गुण हो जाए ना वो मैं भगवान की भक्ति नहीं करेगा लेकिन हमारे गुरु जी का अगर विश्वास विश्वास गुण है जन्म कहाँ पर गुरुदेव जन्म हुए साधारण गरीब है जहाँ पर भगवान बक्सर और स्नान किया से विश्वामित्र की जगह होंगे रामचंद्र लीला शैल गुरुदेव प्रकट हुए है जन्म साधारण घर में ही ब्राह्मण एकदम सक्रिय रहते थे हर बात पूछ
पूछना, क्वेश्चन का आंसर देना, एकदम अंदर अंदर की बात पूछना, इसलिए मुझे लगता है कि विशेष कृपा श्री रामचंद्र प्रभु